नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल टाइप की तनवीर में। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा फोल्डर ट्राई किया है कि जो हम फोल्डर बनाए वो डिलीट ना हो? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसा फोल्डर बनाएंगे या फोल्डर बना सकते हैं कि जो डिलीट ही ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे कमांड के माध्यम से फोल्डर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि फोल्डर हमारा डिलीट न हो। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग अनडिलीटेबल फोल्डर। दोस्तों, सबसे पहले हम एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं और फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, कुछ कॉपी कर डेटा को रख देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इस फोल्डर को जब हम डिलीट करेंगे तो हमारा ये फोल्डर डिलीट हो गया, लेकिन हम फोल्डर को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डाटा रखेंगे और कोई भी हमारे फोल्डर को डिलीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर को बना लेते हैं। फोल्डर को बनाने के आप सभी लोग दास को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसके लिए कमांड पे जाएं और वहां पे सीएमडी लिखें। सीएमडी लिखने के बाद उस पाथ पर जाएं जहां पर ये फोल्डर रखा हुआ है। अब हमारा ये फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे आने के बाद अब हमको क्या करना होगा, चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ डाटा को रख देते हैं। चलिए हम ये कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, एक कमांड को चलाते हैं और फोल्डर का नाम हमारा सचिन है। फोल्डर को फिर स्पेस देने के बाद स्लैश पी फिर स्पेस कॉलम देने के बाद एन टाइप करेंगे और इंटरफेस करेंगे। फिर ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आर यू श्योर, क्या आप इसको श्योर हैं, आप श्योर हैं। इसके लिए हम यस प्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख गया है प्रोसेस्ड हो गया है ये। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए हमारा फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है, कंटिन्यू भी करेंगे फिर भी ये ओपन नहीं हो रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, इस विजार्ड को क्लोज कर देते हैं। चलिए अब हम इसको ओपन करने के दो तरीके बताते हैं। चलिए जब भी इस फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, कंटिन्यू पर जाएंगे। कंटिन्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी टैब मिल जाएगा, इस पर जाएंगे। यहाँ से भी आप एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे और ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे और इसको जैसे ही क्लोज करेंगे, अब आप इसको ओपन करेंगे तो यह फोल्डर आपका खुल जाएगा और आप इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं।